हेलो एंड वेलकम टू ऑल, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। हर विद्यार्थी की बस एक ही परेशानी है, सर लेखपाल में सब लोग अलग अलग पढ़ा रहे हैं, कृपया करके हमें बताने के कष्ट करें कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर यूट्यूब चैनल पर हर जगह अलग अलग चीज़ें बताई जा रही हैं, तो आप बता दीजिए कि मुझे क्या पढ़ना है। तो बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि आपका राजस्व लेखपाल का पेपर है, चकबंदी लेखपाल का नहीं है, तो उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। राजस्व लेखपाल के पेपर में 90% आपको उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना है और 10% आपको विकास की योजनाओं पर, लैंड मेजरमेंट पर, इन पर ध्यान देना है। तो जैसा कि मैंने ग्राम विकास की क्लास चलाई है ना, और लेखपाल का बैच चलाया, लेखपाल का बैच बहुत सारे बच्चों ने लिया, बहुत सारे बच्चों ने कहा सर हमने जीएस आपसे पढ़ रखी है लेकिन ग्राम विकास के लिए कोई नया बैच ले आई है, तो मैंने ग्राम विकास और हिंदी का नया बैच आपके लिए डाला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। इन सभी बच्चों को आपको बहुत अच्छे से देखना है कि आपको पढ़ना क्या क्या है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ सही से, जैसे आपने एसएससी कोचिंग का ऐप खोला, जो जो मैंने पढ़ाया है उसको फटाफट से देख लेना है। जैसे हमने यहाँ पर माय कोर्स में गए, ग्राम विकास में गए, तो आप ग्राम विकास में देखिए, जैसे सबसे पहले हिंदी पर क्लिक किया तो हिंदी पर आप कहेंगे सर वर्णमाला तो हमारे पेपर में है नहीं लेकिन आपने पढ़ाई क्यों है। बेटा अगर वर्णमाला नहीं पढ़ाएंगे तो आपको संधि कैसे समझ में आएगी, है ना। तो आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि, विसर्ग संधि तभी समझ में आ जाएगी जब आप वर्णमाला पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने वर्णमाला से शुरुआत करी है, सीधे संधि से स्टार्ट नहीं किया। तो स्वर पढ़ाया है, व्यंजन पढ़ाया है, फिर वर्तनी, वर्तनी के बाद स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर उपसर्ग और प्रत्यय। तो आपके दिमाग में आएगा अरे सर अभी तो आप कह रहे थे कि उपसर्ग प्रत्यय तो सिलेबस में है नहीं लेकिन आपने उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाया है। अगर आप गौर से सिलेबस देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि शब्द निर्माण, और शब्द निर्माण के चार तरीके होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास। तो संधि समास तो अलग दिखा है लेकिन शब्द निर्माण भी तो लिखा है सिलेबस में, तो शब्द निर्माण का मतलब है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, इसलिए मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, फिर तत्सम, तद्भव, संज्ञा। हम कहेंगे सर संज्ञा तो दी नहीं है, लिंग दिया है ना, तो लिंग तभी पढ़ पाएंगे जब संज्ञा पढ़ेंगे। तो लिंग, वचन, कारक, काल, और काल तभी पढ़ पाएंगे जब आप क्रिया पढ़ेंगे, है कि नहीं, इसलिए हमने इसको बताया है। फिर आपठित गद्यांश, वचन, एक वचन, कारक चिन्ह, सर्वनाम, क्रिया, फिर समास, है ना, पूरा पढ़ा दिया। समास का एक पार्ट ऊपर है ये देखेंगे, दूसरा पार्ट नीचे है, कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है। फिर काल पढ़ाया, वाक्य पढ़ाया, अनेकार्थी शब्द, वाक्य भेद, परिभाषा, भेद, उदाहरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची और मुहावरे, लोकोक्तियां। फिर बात करते हैं हिंदी पे, तो 25 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गए। फिर बात करते हैं ग्रामीण समाज पे, ग्रामीण समाज में सबसे पहला हमने बताया है भूमि मापन की इकाइयाँ, तो लैंड मेजरमेंट इसमें पूरा पढ़ाया है। फिर हमने आपको पढ़ाया पादपों का वर्गीकरण, तो बच्चे कह रहे हैं सर कृषि पशुपालन में आप पादप कहाँ ले आए हैं, बॉटनी की बातें कहाँ ले आए हैं, है ना, वनस्पति के नाम बताए हैं आपने इसमें, आपने बताया है लहसुन और प्याज किस कुल की फैमिली का है। बेटा जैसे पहले पादप पढ़ेंगे, पहले पौधा पढ़ेंगे, पौधे के बाद पौधे के भाग पढ़ेंगे, झूठा फल क्या होता है, असत्य फल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, पत्ती का कार्य होता है, तभी तो एग्रीकल्चर पर आ पाएंगे। आपको पता ही नहीं है कि गेहूं किस कुल का पौधा है, तो जैम है ना, ग्रैमिनी कुल का पौधा है ना, गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है, क्रिटिकल सेटाइवम है, चावल का राजा सेटाइवा है, तो ये सब आपको पादप के अंदर पढ़ना पड़ेगा, प्लांट साइंस के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने बताया है कृषि के प्रकार, कृषि कितने प्रकार से की जाती है, भारत में कृषि कौन कौन सी की जाती है, फसलों का क्रम होना क्या होना चाहिए, सस्यावर्तन क्या होना चाहिए, फिर खाद्यान्न, दलहन, है ना, खाद्यान्न के बारे में बताया, दलहन ही फसलों के बारे में बताया, प्रजातियां कौन कौन सी हैं, क्या क्या चीज़ें मिट्टी में चाहिए, रोग कौन कौन से लग जाते हैं, उनकी प्रजातियाँ क्या हैं, फिर फलों का उत्पादन बताया, संरक्षण बताया, कौन से रोग लग जाते हैं, कौन सी प्रजातियाँ हैं, फिर पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पशुपालन, 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 चार क्लासें पशुपालन की हैं, फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राज्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कैसी है, भारत में कौन सी लागू थी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, इन सब के बारे में चर्चा करी, फिर भू राजस्व व्यवस्था पार्ट टू, फिर राजस्व विभाग, अनुभाग कितने होते हैं, राजस्व परिषद क्या होता है, चकबंदी लेखपाल क्या होता है, राजस्व लेखपाल क्या होता है, चकबंदी आयुक्त का काम क्या है ना, ये सारी चीज़ें बात करनी है। फिर लेखपाल क्या है, लेखपाल का अनुभाग क्या है, लेखपाल की धाराएं कौन सी हैं, लेखपाल के कार्य क्या हैं, खसरा खतौनी नक्शा तैयार करना, ये सारी चीज़ें। फिर ग्राम विकास विभाग उत्तर प्रदेश का कैसे काम करता है, कृषि विभाग कैसे काम करता है, और भूमि संबंधी कानून कौन कौन से हैं, फिर गांव का समाज कैसा है, समाज की विशेषताएं क्या हैं, और कुछ विद्वानों के कथन क्या हैं। राजस्व विभाग फिर से पढ़ाया, पंचवर्षीय योजना सारी आपको याद करनी है, इसके तीन पार्ट हमने आपको पढ़ाए है ना, ये तीसरा पार्ट है, इसमें दो दो लिख गया है। फिर गरीबी, गरीबी का आकलन, गरीबी का आधार क्या है, बेरोजगारी, बेरोजगारी का आकलन, बेरोजगारी का आधार क्या है, असमानता क्या होती है, पॉवर्टी क्या होती है। फिर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सारी स्वास्थ्य योजनाएं एक बार में पढ़ेंगे,
फिर भारत सरकार और राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाएं पढ़ेंगे, फिर छुटकर पुटकर जो रह जाती है मैराथन क्लास में उसमें अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं में उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से जब आप ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तो आपका 50 नंबर कहीं नहीं गया, बस इतना ही पढ़ना है। अब बाकी शोध प्रणालियों पर ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, शोध प्रणाली आपके पेपर में नहीं आनी है, दी हुई हैं आप पढ़ लीजिएगा। वैज्ञानिक शोध प्रणालियाँ है ना, सामाजिक शोध प्रणालियाँ, ये दो पढ़ लेंगे काफ़ी है। अगर आप कहेंगे तो मैं ये भी वीडियो बनाकर या अपलोड कर दूँगा, लाइव क्लास ले लूँगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जीके की ट्रिक मिल जाती है ना, कुछ संस्थान की, संगठन की, नेशनल पार्क्स की, है ना, अटलांटिक महासागर, जलधाराओं, प्रशांत, ये तो जो ट्रिक हैं वो मैं तो यूट्यूब पे भी दिया हूँ, इसमें भी दिया हूँ, ठीक है ना। तो ये इतना भैया आपको पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिए जो यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग पढ़ा रहे हैं वो चकबंदी लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल के सिलेबस से बचें, राजस्व लेखपाल पर कॉन्सेंट्रेट करें, यूपी को इतना तरह रट लें, 90% क्वेश्चन उत्तर प्रदेश और फिर 10% क्वेश्चन मापन और योजनाओं और कुछ ग्राम समाज से आ सकते हैं। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और SSG कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लेखपाल का पूरा बैच ले सकते हैं, या तो आप चाहे तो ग्राम विकास ही का कोर्स ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।